नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ रवीश। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई जारी करेगी सिसोदिया को दूसरा समन। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई सिसोदिया को दूसरा समन जारी करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सीबीआई ने सिसोदिया को पेशी के लिए वक्त भी दिया है। तो आपको बता दें, आज सीबीआई के सामने सिसोदिया को पेश होना था। सिसोदिया ने पेश होने के लिए सीबीआई से वक्त मांगा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया को दूसरा समन जारी करेगी सीबीआई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, सीबीआई जारी करेगी सिसोदिया को दूसरा समन। सीबीआई ने सिसोदिया को पेशी के लिए वक्त दिया है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते का वक्त दिया गया है और इसके बाद अब सीबीआई दूसरा समन जारी करने वाली है। मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई में पेश होना था, सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने बजट का हवाला देकर यह कहा कि उन्हें कुछ और वक्त चाहिए, वो बजट की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए वो आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। हालांकि मनीष सिसोदिया ने कल ट्वीट किया था कि वो सीबीआई का पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है, कुछ नहीं मिला उनसे, लेकिन वो सहयोग जारी रखेंगे। तो आज सीबीआई के सामने सिसोदिया को पेश होना था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो बजट की तैयारियों में व्यस्त हैं, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। उन्होंने वक्त मांगा था और खबर यह आ रही है कि एक हफ्ते का वक्त भी उनको दे दिया गया। अब सीबीआई दूसरा समन जो है वो जारी करेगी, मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। तो सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने सिसोदिया को पेशी के लिए वक्त दिया है। आज सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया को पेश होना था। मनीष सिसोदिया के शराब घोटाला मामले में सीबीआई से वक्त मांगने पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने निशाना साधा है। हरीश खुराना ने कहा है कि बजट तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद सवालों से भागना है। फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूंगा, इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूंगा। और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूंगा, लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मनीष जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक हफ्ते का समय मांगा है पेश होने के लिए सीबीआई से। अब सीबीआई समय देता है या नहीं देता वो तो उनके ऊपर है, लेकिन हमारा मानना ये है कि बजट तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद सवालों से भागना है। आप जिस प्रकार से कल तक कहते थे घोटाला हुआ ही नहीं, हमारा मानना है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी थोड़ी घबराई लग रही थी। आपको लग रहा है कि सीबीआई बहुत टफ सवाल पूछने वाली है, उस जवाबों को तैयार करने के लिए आपको उस समय चाहिए और एक हफ्ते के लिए आपने शायद समय मांग लिया है बजट का बहाना लेते हुए। हमारा मानना है बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो आपको पेश होना ही। और बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताते हैं। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे उद्धव ठाकरे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह समय देता उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उसको चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में। फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उद्धव ठाकरे। शिवसेना के संविधान में संशोधन अलोकतांत्रिक है, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनका गुट। शिंदे गुट संगठन की ओर से कमजोर था, उद्धव गुट का कहना है इलेक्शन कमीशन ने पार्टी संविधान को जानबूझकर अलोकतांत्रिक बताया। चुनाव आयोग के आदेश में असंगत है उद्धव गुट का यह भी कहना है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना सिंबल पर संजय राउत का बड़ा आरोप आया है, चुनाव चिन्ह और नाम के लिए सौदा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा आरोप, उन्होंने कहा कि एक बड़ा सौदा हुआ है, चुनाव चिन्ह और नाम के लिए सौदा हुआ है। 2000 करोड़ में शिवसेना सिंबल की डील हुई है, जल्द कई बड़े खुलासे होंगे, ये भी संजय राउत का कहना है। मैंने ट्वीट कर देश को अवगत किया है
कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप FIR कहते हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज FIR, ये मेरा FIR है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का, 50 लाख का दाम लगाते हैं, वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। मैंने शिवसेना विवाद पर अमित शाह का बयान भी सामने आया है। अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत किया है। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का कर दिया, ये कह रहे हैं अमित शाह। बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर अमित शाह ने निशाना साधा। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए हैं। जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है कि सत्य किसके साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बात से बोलिए, भारत चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या, चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए, मुट्ठी बींचिए सभी लोग, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम नीतीश कुमार के 100 सीटों वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए तो बीजेपी 100 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, राज्य संकट में है, जेडीयू में कोहराम मचा हुआ है, कांग्रेस नीतीश कुमार को भाव नहीं देती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है, रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया नीतीश कुमार। आज नरेंद्र मोदी मैसेज नहीं दिया, प्रार्थना की, विनती की कि हमें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है, आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी को लिफ्ट नहीं दे रही है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई और हो, एक बात नहीं समझते कि आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, स्वरा भास्कर और फहद की शादी पर बवाल हो गया है। एमयू कैंपस में शादी की दावत पर बवाल हुआ, आमने सामने आ गए छात्र संघ के नेता। स्वरा भास्कर और फहद की शादी पर बवाल हो गया, स्वरा भास्कर और पवत की जो शादी हुई उसमें बवाल हो गया, छात्र संघ जो थे वो आमने सामने आ गए। छात्र संघ के नेता एएमयू एसयू के पूर्व अध्यक्ष फैजुल ने किया था दावत का ऐलान, पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने इस पर एतराज जताया। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने वाले फहद की शादी के बाद अब एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने एएमयू कैंपस में दावत का ऐलान किया। हालांकि यूनिवर्सिटी में दावत पर एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने विरोध जताया और इस मामले में एएमयू प्रशासन और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने कहा है कि उन्होंने स्वरा भास्कर और फहद के लिए एक दावत का प्रोग्राम रखा क्योंकि फहद उनके यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। हमारे सदर साहब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि फहद और स्वरा भास्कर की शादी की पार्टी यहाँ होगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, किसी को भी वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक तालीमी इदारा है, इस तरीके की एक्टिविटी कैंपस में शोभा नहीं देती, और इस तरीके का कोई भी अगर इवेंट होता है तो इसकी हम लोग पुरजोर तरीके से मदम्मत करेंगे। मतलब क्या है, आपने कोर्ट मैरिज करी है, अच्छी बात है, लेकिन आप वलीमे का जो जिक्र लेके आ रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो शादी शरिया के तौर पर अगर देखें तो शादी ही जायज़ नहीं है, तो वलीमा क्या होगा? आपको अलीगढ़ में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से रेस्टोरेंट हैं, बहुत से आपके बारात घर हैं, आप कहीं भी जाके दावत दीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरीके के हम कोई भी इवेंट नहीं होने देंगे। और हमने एक दावत का प्रोग्राम किया है स्वरा भास्कर और फहद के लिए। फहद चूँकि स्टूडेंट रहे हैं यहाँ, ओल्ड बॉयज़ भी हैं, तो उनकी जैसे ही वलीमा हो जाता है एक डेट फाइनल कर ली जाएगी, और चल रही बातचीत तो हो गई, आज भी हुई है बात, तो वो US से लौट करके फ़ौरन आएंगे, वलीमे के फ़ौरन बाद US जाना है और लौट के आएंगे, तो यहाँ दावत रखी जाएगी, सबको मदु किया जाएगा, जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, मीडिया को भी बुलाया जाएगा, जो सवाल होंगे उनके जवाब उनसे भी कहा गया है कि वो सवाल के जवाब भी देंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई दर्जनों गाड़ियां, हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। एक्सप्रेसवे पर आपस में दर्जनों गाड़ियां टकरा गई हैं, जिसकी वजह से भीषण जाम लग गया है। गाजियाबाद के डासना के पास यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, कोहरे की वजह से भयंकर एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिला है, जिसमें कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, कोहरे की वजह से बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई, और आप देख सकते हैं कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से भीषण जाम भी लग गया है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो हो जाती है, लेकिन इस वक्त इस मौसम में, जहां पर कि अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो गर्मी का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है, गर्मी ने दस्तक दे दी है, वहां पर इस समय कोहरा लगना और उसके बाद लगातार गाड़ियों का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, देख सकते हैं आप, दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई और ये गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो गई हैं, इसकी वजह से जाम भी लगा। चलिए एक और खबर आपको बताते हैं। शादी समारोह में नोटों की बारिश हो गई। जी हाँ, पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी थी और वहां नोटों की बारिश ही हो गई, पैसे लूटने के लिए लोगों में हाथापाई हो गई। मेहसाणा के अगोल गांव का ये पूरा मामला है। तो शादी समारोह में नोटों की बारिश हो गई, पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी थी। गुजरात के मेहसाणा जिले में पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए गए। इस मामले का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मकान की छत पर खड़े लोग नोट उड़ा रहे हैं और नीचे भारी भीड़ है जो नोट पकड़ने के लिए खड़ी है। ये मामला मेहसाणा जिले के अगोल गांव का है, जहां पूर्व सरपंच करीम भाई, दादू भाई यादव के भाई रसूल भाई के बेटे की शादी थी। इस शादी की खुशी में घर के लोगों ने अपने मकान की छत पर खड़े होकर नोटों की बारिश कर दी। तो देख सकते हैं आप, इसकी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। और इन नोटों को पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ भारी संख्या में जमा हो गई। छत पे खड़े होकर वहां पर शादी के दौरान नोटों को उड़ाया गया, जिसके बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने नोट इकट्ठा करने शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। शिव महापुराण कथा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में ये नहीं चलेगा कि कोई 10 बच्चे पैदा करे और कोई पीछे रहे। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता, तब तक हर सनातनी को कम से कम 5 बच्चे गोद में खिलाने चाहिए। जब कानून बन जाए तो सरकार के हिसाब से व्यवहार करें। मैं
जहां जहां सनातनी अधिक संख्या में होंगे वहां सब प्यार से रह सकेंगे, और जहां सनातनी बहुसंख्यक नहीं रहे वहां पर कोई भी आपस में लड़ पाएंगे, वो कोई चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए कह रहा हूं भगवान भी कृपा मनाओ, पांच पांच गोद में खिलाओ। ठाकुर जी कृपा कर दे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, तो सरकार के नियम को फॉलो करो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।